बिलासपुर के कोठीपुरा में बन रहे एम्स निर्माण के बाहर बिलासपुर जिला कांग्रेस के महासचिव संदीप संज्ञान, इंटेक उपाध्यक्ष भगत सिंह वर्मा, एडवोकेट प्रवीण शर्मा, निर्मला नोनी, पंचायत तथा अर्थनारीश्वर की बिलासपुर अध्यक्ष बिजली महंत तथा ग्रामीणों ने मिलकर युवाओं को रोजगार न देने को लेकर एम्स प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की तथा सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया। उन्होंने बताया कि बिलासपुर के कोटीपुरा में बन रहे एम्स निर्माण में बाहरी राज्य के लोगों को रखा जा रहा है और यहां के कुछ लोगों को बाहरी राज्य में भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर एम्स में बिलासपुर व हिमाचल के युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया तो आने वाले समय में बिलासपुर तथा हिमाचल की जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी हिमाचल सरकार व जिला प्रशासन की होगी। इस धरने में 15 से 20 लोगों ने भाग लिया। जो आज एम्स के अंदर स्थानीय लोगों ने बड़े धरने का कार्यक्रम किया था, रखा था, उसको बड़ा संक्षिप्त करके, क्योंकि कोविड की वजह से देश और प्रदेश में बड़े केस आ रहे हैं, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको सांकेतिक धरना के रूप में लिया है। और आज हमें मांग करते हैं कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को, बेरोजगारों को प्राथमिकता के तौर पे एम्स के अंदर जो आउटसोर्स और दूसरे रिक्त पदों को भरने की भर्ती होती है उसमें तरजीह दी जाए, और यहाँ के वर्कर्स के साथ जो एम्स की मैनेजमेंट बड़ा दुर्व्यवहार कर रही है उनको यहां से तबादला कर दिया नोएडा के अंदर, गाजियाबाद के अंदर और इलाहाबाद के लिए, उसको तुरंत रोका जाए। और स्थानीय लोगों का कहना है कि जो इनका मजदूर बस्तियों का जो अनट्रीटेड सीवरेज का पानी लोगों के खेतों में पीने के पानी के सोर्स में जा रहा है और निर्माण स्थल से जो कच्ची मिट्टी बरसात से उनके खेतों में जमा हो रही है उसका मुआवजा दिया जाए। और ये 3-4-5 पंचायतें कल्लर, कचौली, राजपुरा, कोठीपुरा के लोग ये भी मांग करते हैं कि एक गेट जो है, एक एग्जिट जो है वो राजपुरा की तरफ दिया जाए। ये लोगों का कहना है। हमने जिला धीस बिलासपुर से भी इसका डेपुटेशन मिला, आज हमारे 4-5 पंचायतों के प्रतिनिधि भी यहाँ आए हैं। तो हम आज यहाँ इस धरना स्थल पर पुणे प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इन उपरोक्त समस्याओं का निवारण करें। आज ये एक सांकेतिक धरना दिया गया है और ये सब धरना जो है, जो हमारा बिलासपुर के अंदर बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है एम्स बिलासपुर, जो चंगर प्लासिया कोठीपुरा राजपुरा के अंदर स्थापित हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारे क्लास 3 और क्लास 4 के मजदूर भाई हैं उनको यहाँ से ट्रांसफर किया जा रहा है। और ये जो है, ये या तो ठेकेदार की दादागिरी है या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के इशारे पे जो ये काम किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। जिस आदमी की 10,000 रुपये तनख्वाह है और उसको जो है यहाँ से नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में उसका तबादला किया जा रहा है, जो कि ये मजदूर नियमों का उल्लंघन भी है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारी जो सराउंडिंग की पंचायतें हैं और जो बिलासपुर के लोग हैं, जो बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, और उनको हमारी मांग ये है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। ये एक तरह का सांकेतिक धरना था और ये इंटक के हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में दिया गया, और मैं ये चाहता हूं कि यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ के संस्थान यहाँ पे बन जाए और बाहरी लोग यहाँ पे आके संस्थान में अपना कब्जा जमा लें, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या बिलासपुर में भी उतनी है और स्थानीय पंचायतों में भी उतनी है जितनी बाकी देश के अंदर है। तो यहाँ पे संस्थान बन रहा है, यहाँ के प्रभावित लोग हैं, तो उनको ये रोजगार का मौका यहाँ मिला, क्योंकि कोविड-19 के चलते ये एक सांकेतिक धरना था। इसमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया, जैसे ही कोविड के केस डाउन आएंगे और एक व्यापक आंदोलन, अगर ये एम्स का प्रशासन नहीं माना, प्रदेश सरकार नहीं मानी, जिला का प्रशासन नहीं माना, तो एक व्यापक आंदोलन जो है यहाँ पे छेड़ा जाएगा। और इस मामले में हमारे जो बिलासपुर के जो वरिष्ठ नेतृत्व है कांग्रेस का, ठाकुर रामलाल जी, उन्होंने भी इस बारे में कई बार आगाह किया है कि एम्स का प्रशासन अपने जो लोकल लोग हैं उनको तरजीह दे, अदरवाइज यहाँ पे एक व्यापक आंदोलन किया जाएगा। धन्यवाद।